आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर है, ये है नामी गिरामी। साल 2007 था। भारत में तब कांग्रेस की यूपीए सरकार अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रही थी। पाकिस्तान में ये वक्त परवेज मुशर्रफ का था। तख्ता पलट से सत्ता में आए मुशर्रफ के शासन का यह आखिरी साल था, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होने जा रहा था जो मुशर्रफ पर सत्ता छोड़ने का दबाव बनाने वाला था। सेना और मुशर्रफ के खिलाफ बोलने वाले वैसे तो कई थे जो पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार चाहते थे, लेकिन एक महिला जो इस देश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी थी, अब सीना ताने सैन्य शासन के विरोध में खड़ी थी, और वही मुशर्रफ के इस शासन में आखिरी कील भी ठोकने जा रही थी। 7 अक्टूबर को जब वो एक कार्यक्रम के दौरान पेशावर से इस्लामाबाद पहुंची, तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें आगाह किया कि आपकी जान को खतरा है, कल जहां आपका कार्यक्रम है वहां आप पर हमला हो सकता है। उन्होंने कहा, तो आप हमारी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ा देते, और इतना कहकर सारी बहस खत्म कर दी। अगले दिन लाखों की भीड़ में वो रावलपिंडी के लियाकत बाग जा रही थी। रास्ते में भीड़ इतनी थी कि उन्होंने अपनी कार की रूफ खोलकर खड़ा हो जाना बेहतर समझा। वो सबको सलाम करते हुए बढ़ रही थी, लेकिन किसे पता था कि महज कुछ 100 मीटर दूर जाने का ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। उसी भीड़ में से एक शख्स निकला जिसके हाथ में पिस्टल थी। वो काफिले की गाड़ियों के करीब आया, पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। ये 3 गोलियां काफिले में सबसे आगे की कार में चल रही उन्हीं कद्दावर महिला के सर पर लगी, और इसके बाद उस शख्स ने वहीं पर बम से अपने आप को उड़ा भी लिया। चारों तरफ लाशें दिखने लगी। गाड़ी का ड्राइवर गोली लगने के बाद पहियों के रिम के सहारे लोगों की लाशों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें वहां से लेकर गया, लेकिन सब जानते थे कि बहुत देर हो चुकी है। ये कहानी है पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की। ये कहानी है जुल्फिकार अली भुट्टो की उस बेटी की जो पाकिस्तान की सियासत में जरूरी बदलावों के लिए जानी जाती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। जून 1953 में बेनजीर ऐसे परिवार में जन्मी जहां अभावों का कहीं नामो निशान नहीं था। उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो बाद में पाकिस्तान के बड़े सियासी चेहरे भी बने, और जिया के शासन में उन्हें मौत की सजा भी हुई थी। ये सब उसी की पटकथा है जो बेनजीर के सियासी सफर की शुरुआत की वजह बनी। सियासी परिवार में बेनजीर के भाई भी थे और बहनें भी, लेकिन बेनजीर की सक्रियता सियासत में छा जाने की वजह बनी। सीनियर जर्नलिस्ट कमर आगा कहते हैं, इनके पिता थे वो भी इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसी के हमने देखा, वो अपने साथ लेके जब बाहर जाते थे तो इनको लेके चलते थे। हिंदुस्तान में जब वो 1972 में आए शिमला एकॉर्ड साइन करने, तो अपने साथ बेनजीर भुट्टो को लेके आए और यहाँ लोगों को मिलाया इंदिरा गांधी वगैरह से। तो वो ग्रूम कर रहे थे, वो इनको बड़ा बना रहे थे लीडर। भुट्टो साहब बेसिकली ये लोग काफी यूरोप में रहे थे, उससे इन्फ्लुएंस से परिवार भले पॉलिटिक्स इनकी कंजर्वेटिव हो, लेकिन ये पर्सनल फैमिली मैटर्स में लिबरल थे, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं थे। अपनी पढ़ाई और युवावस्था के शुरुआती साल बेनजीर ने ज्यादातर लंदन में ही गुजारे थे। पढ़ाई में अव्वल बेनजीर लंदन में जिस आधुनिकता से रहती थी, कोई नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान की ये वही लड़की है जो सर से दुपट्टा कभी गिरने नहीं देती। सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर उनके लंदन के दिनों में बेनजीर के साथ ही रहे हैं। उन्होंने इस दौर का एक किस्सा कई आर्टिकल्स में लिखा है, हमारे साथ ही कुलदीप से सुनिए। तो ये बात उन दिनों की है जब करण थापर साहब जो है वो बड़े जर्नलिस्ट नहीं हुए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे और वहाँ की स्टूडेंट विंग के वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और बेनजीर पढ़ा करती थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और वो वहाँ की ट्रेजरर थी।
तो करण थापर ने अपनी किताब में लिखा है कि इन्हीं दिनों बेनज़ीर एक बार कैम्ब्रिज आई हुई थी और उन्होंने जो है स्टूडेंट्स की जो मीटिंग थी उसमें डिबेट कराने के लिए जो टॉपिक सजेस्ट किया, वो टॉपिक सुनकर के करण थापर की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वो टॉपिक था कि शादी से पहले सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है। तो करण थापर ने लिखा भी है कि मेरे लिए ये हैरत की बात इसलिए थी क्योंकि इंडिया में भी इस तरह की बातें आसानी से आप नहीं कर सकते थे और बेनज़ीर पाकिस्तान से आई थीं जहाँ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव सोच ज़्यादा प्रेविलेंट है और वहाँ से आकर इतने बोल्ड विषय पर वो डिबेट चाह रही थी कि हो। तो करण थापर को बेनज़ीर भुट्टो से मजाक करने की सूझी, तो उन्होंने सबके सामने उनसे पूछा कि मैडम जो आप कह रही हैं क्या आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत रखती हैं, कि आप उसको पर्सनल लाइफ में उसका अमल कर सकती हैं, उसका पालन कर सकती हैं। तो ये सुनना था उनका सवाल, तो वहाँ जो लोग मौजूद थे वो हंसने लगे, ज़ोर का ठहाका लगा, तालियां बजाने लगे लोग। बेनज़ीर ने जो है वो तालियां रुकने का इंतज़ार किया और उन्होंने अपने चेहरे से चश्मा उतारा और करण थापर की आंखों में आंखें डालकर बोली, ज़रूर बट नॉट विद यू करण, मैं कर सकती हूँ बट तुम्हारे साथ नहीं। प्रधानमंत्री पिता की ये बेटी विदेशों में दूसरे कारणों से ही मशहूर थी, अपनी पार्टियों के लिए जानी जाती थी बेनज़ीर और भारत के लोगों से उनकी नज़दीकियां भी अक्सर खबरों में आती थीं। लेकिन बेनज़ीर की इस निश्चिंत जिंदगी पर जल्द ही एक बड़ा ग्रहण लगने जा रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, 1975 में उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। पाकिस्तान में ये ज़ियाउल हक के शासन की शुरुआत थी और सैन्य तख्तापलट की भी। महज 4 साल में जिया ने भुट्टो और उनके लोगों को वो दिन दिखाए जिसकी पाकिस्तान में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और आखिर में जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत दे दी गई। बेनज़ीर के लिए इसके बाद क्या बचा था सिवाय सियासत में आने के? बेनज़ीर के 2 भाई और थे और बहनें भी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद कैसे वही आगे आई, कमर आगा बताते हैं। हाँ, ये सही बात है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम जो हुआ, उनके भाई जो थे उन्हीं ने बड़ा एक्सट्रीमिस्ट लाइन ले ली और मिलिटेंसी की तरफ उनका रुझान होने लगा और वो उस वक्त ना तो वहाँ के लोगों को पसंद था, एक्सेप्टेबल था, अंत भी बुरा हुआ। और फिर दूसरी बात ये कि वो फिट नहीं थे बहुत, उनकी विचारधारा भी ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये लड़की जरूर थी मगर ये बड़ी आउटगोइंग थी और बहुत पॉलिटिकल समझ भी थी, इनको काफी पॉलिटिकल सेवी थी जिसे कहना चाहिए, और ये समझ रही थी राजनीति का। और दूसरे प्रधानमंत्री जो बनी उसके बाद भी इनका काफी अच्छा रोल रहा, इनके कुछ काम बड़े अच्छे थे। महज 29 साल की उम्र में बेनज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अध्यक्ष बन गई। बाद को तकरीबन 2 साल के लिए वो जेल भी भेजी गईं, लेकिन ये उनका बुरा वक्त नहीं था, ये उनके अच्छे वक्त की शुरुआत थी। यही वो वक्त था जब बेनज़ीर में भुट्टो का अगला वारिस देखा जा रहा था और भारत के लोग पाकिस्तान के संबंधों के लिहाज से सकारात्मक व्यक्ति मानते थे। सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर ने एक अखबार के लिए बेनज़ीर को याद करते हुए लिखा था, उस जमाने में एक मजाक चलता था कि राजीव गांधी और बेनज़ीर को शादी कर लेनी चाहिए और दोनों देशों की समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। बेनज़ीर ने मुझे बाद में बताया तो डिनर के दौरान इस बात को लेकर हम बहुत हंसे थे। बेनज़ीर ने मुझसे कहा कि राजीव कितने हैंडसम हैं लेकिन उतने ही टफ भी हैं। साल 1988 पूरे पाकिस्तान में राहत लेकर आया। जिया की एक दुर्घटना में मौत के बाद वहां चुनाव होने जा रहे थे। बेनज़ीर की लोकप्रियता जरूर बढ़ गई थी लेकिन पाकिस्तान की पारंपरिक और मजहबी राजनीति इतनी आसानी से अविवाहित बेनज़ीर स्वीकार्य नहीं होनी थी। सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले अनमैरिड बेनज़ीर को मिसेस जरदारी होना था। आसिफ अली जरदारी जो एक संपन्न घराने से आते थे एक योग्य उम्मीदवार बनकर सामने आए बेनज़ीर के लिए। कमर आगा से सुनिए। बेनज़ीर भुट्टो ने के दोस्तों ने जो कुछ लिखा है वो यही लिखा है कि बेनज़ीर भुट्टो को एक समय में ये एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान की सियासत में आगे आना है तो शादी करना लड़की के लिए ज़रूरी है, हस्बैंड का होना ज़रूरी है और परिवार का आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो उन्हीं ने ये सोचते हुए आसिफ जरदारी से, ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, आसिफ जरदारी से उनकी शादी की। आसिफ जरदारी कोई बहुत बड़े परिवार के नहीं थे, उनके पास बहुत बड़ी जमीनें वगैरह नहीं थी, लेकिन ये कि
ये उस जमाने में काफी पॉपुलर थे और इनकी इमेज वैसे बहुत अच्छी नहीं थी उस जमाने में, प्लेबॉय की तरह समझे जाते थे। और इनका उनसे अरेंज मैरिज हुई जिसे कहते हैं, मिलाए गए और क्लिक किया और शादी हो गई। इसके अगले साल ही देश में हुए चुनावों में बेनजीर की पार्टी को सफलता मिली। गठबंधन की सरकार जरूर थी लेकिन बेनजीर प्रधानमंत्री बनी, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री। हालांकि बेनजीर के लिए यह तजुर्बा भी था और मुश्किल भी। इसी समय के कई किस्से हैं। जब बेनजीर प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें विदेश और वित्त मंत्री के लिए दो नाम दिए गए। उन्होंने साहबजादा याकूब खान तो विदेश मंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर महबूबुल हक के नाम पर वो इसलिए राजी नहीं हुई क्योंकि वो उनके पिता भुट्टो के विरोधी थे। एक बार ये भी हुआ कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बेनजीर ने सबसे पूछा कि आप में से जाफरी साहब कौन है, वो उन्हें पहचानती तक नहीं थी। जाफरी ने खड़े होकर अपना परिचय दिया ताकि कम से कम वो उस शख्स की शक्ल तो देख लें जिनको उन्होंने अपना आर्थिक सलाहकार बनाया है। हालांकि बेनजीर की ये प्रशासनिक अनुभवहीनता ज्यादा दिन तक की नहीं थी। एजाज सैयद पाकिस्तानी पत्रकार हैं और वो बेनजीर के कार्यकाल को याद करते हैं, सुनिए। वो इसलिए यूनिक है कि वो पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। वो इसलिए भी यूनिक है कि वो सिर्फ पहली यूनिक प्राइम मिनिस्टर नहीं रही बल्कि वो ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रही हैं। वो इसलिए भी यूनिक हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है उसमें रह के पॉलिटिक्स की, उसमें रह के जो पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी उसको डील किया, उसमें रह के जो मुल्ला थे जो रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स करते थे उनको डिफीट किया, अपने अपोनेंट्स को, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को डिफीट किया और वो प्राइम मिनिस्टर बनी। एक बार भी नहीं, दो बार बनी। वो इसलिए भी यूनिक पर्सनालिटी है पाकिस्तान की हिस्ट्री की कि उन्होंने जो एक्सट्रीमिज्म है उसके बारे में एक बड़ा क्लियर स्टैंड लिया और उन्होंने एक्सट्रीमिज्म को चैलेंज किया और एक्सट्रीमिज्म को चैलेंज करते करते उन्होंने उन्होंने पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप थी, डिक्टेटरशिप खत्म करने में भी उनका एक क्लीदी रोल था। भुट्टो का पहला कार्यकाल भले ही कम समय के लिए रहा लेकिन उनके लिए लोकप्रियता लेकर आया था, लेकिन दूसरा कार्यकाल उनके लिए मुसीबत लेकर आया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके शौहर आसिफ अली जरदारी पर भी कमीशन लेने के तमाम मामले थे, वो जेल भी गए। इन मामलों ने बेनजीर की राजनीतिक लोकप्रियता को बहुत डेंट पहुंचाया। कमरागा, देखिए आसिफ अली जरदारी को कहा जाता था पाकिस्तान में मिस्टर 10%। ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता था उसका कहा जाता था कि ये कहां तक सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन इनको कहा जाता था कि ये 10% इनका होता है उसके अंदर शेयर, ये उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं उस पीरियड में। और इन काफी पैसा भी बनाया उस पीरियड में और उसके बाद भी बनाते रहे ये, तो ये इनकी इमेज बहुत बिगड़ गई थी पाकिस्तान के अंदर और जिसकी वजह से बेनजीर को काफी नुकसान उठाना पड़ा पॉलिटिकल उसमें भी। और वो बहुत ज्यादा कंट्रोल वगैरह में थे नहीं बेनजीर के, पॉलिटिकल पावर पैसे की भी जरूरत रही होगी। और हालांकि बेनजीर प्रूफ करती थी इस तरह की बातें, लेकिन वो अगर चाहती तो इनको रोक भी सकती थी सख्ती से, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। और इन्हीं ने जो हरकतें की उसकी वजह से बेनजीर और उनकी पार्टी को काफी सेटबैक हुआ। 1996 में जब उनकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त हुई तो वजह भ्रष्टाचार का ही दिया गया। बाद को इन आरोपों के चक्कर में बेनजीर को विदेश भी भागना पड़ा। कुछ ही दिन के बाद पाकिस्तान को तख्ता पलट देखना था और बेनजीर लंबे वक्त तक लंदन रहने वाली थी। बेनजीर के कार्यकाल में भारत के साथ संबंध अच्छे रहे ऐसा माना जाता है, कमरागा भी ऐसा ही मानते हैं। बेनजीर भारत आई भी थी, राजीव गांधी से उनका
अच्छे रैपो हो गए थे एक जमाने में, राजीव गांधी भी वहां गए थे और वो बराबर बात कर रही थी भारत से संबंध उठाने से। उनके पिता भी चाहते थे कि भारत से संबंध अच्छा हो, लेकिन ये कि कुछ न कुछ सेना होने नहीं देती थी। साल 2007 में परवेज मुशर्रफ जो सेना प्रमुख से राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने मुल्क में चुनाव करवाने का ऐलान किया। भुट्टो ने मुल्क में वापस लौटने की परमिशन मांगी। पाकिस्तान लौटी भुट्टो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रही थीं, जब उन्हें गोलियों से भून डाला गया। इस घटना के एक दशक बाद उस दौरान पाकिस्तान के तानाशाह रहे परवेज मुशर्रफ ने यह स्वीकार किया था कि शायद बेनजीर भुट्टो के कत्ल में पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट शामिल था। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट या इंतजामिया का इशारा फौज के लिए किया जाता है। उस चुनाव में बेनजीर के ना होते हुए भी उनकी पार्टी जीत ही गई। बेनजीर की हत्या के बाद देश में अफरा तफरी भी मच गई, लोग परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो गए। हालांकि बेनजीर के बाद उनकी पार्टी लगातार निपथ्य में ही गई है और आज भी पाकिस्तान की राजनीति में उसे फिर से किसी बेनजीर की जरूरत लग रही है। मशहूर इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल ने बेनजीर की मौत के बाद गार्जियन अखबार में छपे एक लेख में लिखा था, ऑक्सफोर्ड में उनको जानने वाले उन्हें उस तेज लड़की की तरह याद करते हैं जो अपनी पीली एमजी स्पोर्ट्स कार खुद चलाकर लेक्चर अटेंड करने जाती थी। बेनजीर जब राजनीति में आई तो अपनी इसी अतिरिक्त फुर्ती के लिए जानी गई। ये वही बेनजीर थी जिन्होंने पाकिस्तान लौटने पर अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद भी अपना चुनाव प्रचार जारी रखा था। बेनजीर पाकिस्तान की सियासत में वो चेहरा थी जो स्पोर्ट्स कार भी उतनी ही कुशलता से तेज गति में भगा सकती थी, लंदन में अति आधुनिक पार्टियों का हिस्सा भी हो सकती थी और जिस कुशलता से उन्होंने ताजिंदगी सर पर दुपट्टा डालकर पाकिस्तान की कंजर्वेटिव राजनीति भी की। आज के नामी गिरामी में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज का एपिसोड लिखा है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन त्रिवेदी, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो।